मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद शराब माफियाओं ने नृशंस हत्या कर दी। आरोपी ने किशोरी के ऊपर तेजाब भी डाला ताकि उसकी पहचान छिपाई जा सके। किशोरी के शव को क्षत विक्षत हालत में सुनसान जगह कुड़नी थाना क्षेत्र के अकराहा पुल के पास फेंक दिया गया। हृदय को झकझोर देने वाली घटना के बाद जब पुलिस के प्रयास से शव की पहचान हुई तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। लोगों ने तीन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उसके बाद सोनू कुमार, रंजीत कुमार और गणेश कुमार और दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाला है? माधोपुर हटपर के रहने वाला है। सब सब दारू माफिया है। सबको इतना खौफ है जो गांव में कोई डर के मारे उसके अलावा कुछ बोल नहीं पाता है सब गांव वाले सब। और उसके बाद अमित कुमार है। और उसके बाद जो माधोपुर चौक पे उसका सोना चांदी का दुकान है, ये सब हमारे बहन को उस दिन ले गया यहाँ से। हमको मम्मी को पिस्टल भिरा दिया, पटक दिया, बोला कि सब। मनियारी थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण के का केस दर्ज हुआ था 2 तारीख को। और उसके बाद कुड़नी थाना क्षेत्र से एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान उसी लड़की की उसके माता पिता ने कर ली है और अब आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वो जो बॉडी हमने रिकवर की थी उसमें इंजरी भी है उसके फेस पे। ऐसा लग रहा है कि फेस को डैमेज किया गया है और ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको मार करके उसमें फेंका गया है। इसीलिए अब केस उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके उसमें मामला सामने आएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी हम लोगों ने लड़का जो जिस अभियुक्त हैं लड़के पक्ष वाले उसके विरुद्ध 3 लोगों को डिटेन किया है। पूछताछ जारी है। कुछ सलाम माफिया का नाम भी इसमें सम्मिलित हो रहा है, वो सब एक जांच का विषय है। इसमें आगे कार्रवाई क्या हो रही है सर? आगे कार्रवाई हम लोग पहले पूछताछ कर रहे हैं, देख रहे हैं सब सारे एंगल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लड़की का कॉन्टैक्ट कौन कौन थे, किससे बातचीत कर रही थी लड़की जब 31 तारीख को गायब हुई, तब उसके बाद की प्रक्रिया हम लोग देख